भैया कहाँ लेटो भाई? ओ चाचा साइड लेटो जरा, उठो। हाँ यार लेटने की जगह थोड़ी ना है। अरे यार बैठो, लेटना घर आके लेटो। समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। अरे भाई क्या बताओ यार, बस समय की मार खा रहा हूँ यार और कुछ नहीं। अरे छोड़ो आप, क्या बताएं आपको यार, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है यार, ना माँ बाप ना दोस्त ना भाई बहन, कोई नहीं यार। अरे बताओ तो हुआ क्या यार, समय की मार तो सभी झेलते हैं यार। अरे भाई आपको क्या पता समय की मार क्या होती है, आप हमारी जगह पे होते तब आपको पता चलता है कि क्या होती है क्या समय की मार यार। तो बताओ तो हुआ क्या यार, मैं हाल ही में लखनऊ आया हूँ आज ही, ठीक है। मैं पहले होटल में रुकता था, उस होटल में जा रहा था तो वहाँ जाके पता चला कि मतलब वो होटल को रिप्लेस कर दिया गया एक किसी बार से, ठीक। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे टेंशन में देख के टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि सर आपको मैं एक दूसरा पता बता रहा हूँ, वहाँ पे होटल है, आप चले जाइए वहाँ जाकर रुक जाइए। तो बस वहीं से हो के आ रहा हूँ यार, अब क्या बताऊँ आपको। और हाँ होटल में गए फिर क्या हुआ भाई? यार उसके बाद होटल गया तो थोड़ी देर रेस्ट किया था वहाँ पर, वहाँ जाके रेस्ट करने के बाद वॉशरूम गया, तो वॉशरूम में जाके मुझे याद आया कि मैं अपना खुद का पर्सनल सोप यूज़ करता हूँ। फिर मैं जैसे ही सोप पर्सनल सोप यूज़ करता हूँ, हाँ मैं होटल का सोप यूज़ नहीं करता, मुझे एलर्जी है। अच्छा अच्छा, तो मैं इसीलिए पर्सनल सोप यूज़ करता हूँ मैं, और लाना भूल गया था तो मैं होटल से बाहर गया सोप लेने। फिर सोप ले लिया तो मैं सोचा कि थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। मैं बाहर गया, मैंने दारू शारू पिया वहाँ पर, तो काफ़ी रात भी हो गई थी। मैं घर के लिए लौट रहा था, उतने में मैं भूल गया अपने घर का पता, मुझे होटल का पता याद ही नहीं था, और इतने पैसे भी रहते कि होटल का पता नहीं याद रहा। अच्छा भूल गए होंगे आप। हाँ भूल गया था मैं, मतलब अच्छा, अच्छा। नया हूँ इस शहर में तो इसीलिए मैं पहली बार आया था और उसी दिन मैं निकला हूँ, तो मतलब घर इतने पैसे भी नहीं कि घर में कॉल करके बताऊँ, क्योंकि घर वाले मेरे तो बाहर रहते हैं। मैं अभी लखनऊ में आया, नया नया हूँ, क्या बताऊँ भाई साहब, मतलब इस शहर में नया भी हूँ, इंटरव्यू देने आया था, कोई दोस्त भी नहीं है मेरा यहाँ पर जिससे पैसे मांग के वापस घर भी जा सकूं, और ये तो घर पे कॉल भी कर सकूं। इतनी दुविधा झेल रहा हूँ आपको क्या बताऊं मैं। कौन से गांव के रहने वाले भाई? भाई साहब मुसाफिर खाना। हाँ यार भाई हो सकता है ये, क्योंकि हो सकता है ये। आपको क्या मजाक लग रहा है भाई साहब, यहाँ पर हम इतने टेंशन में हैं और आप हो कि मजाक कहाँ भाई यार। तुम ये बताओ गए थे होटल में, तुमको यार कुछ जगह कोई याद नहीं कौन सी रेलवे स्टेशन के पास थी क्या था कुछ, तुमको याद नहीं कहाँ होटल के थे? हम भी एक बार दिल्ली गए थे दोस्तों के साथ, तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, लेकिन हमको याद था उसके सामने एक पार्क था होटल के हमारे, तो चले गए, हमको याद आ गया मिल गया। अरे भाई
हम बता कह रहे हैं यार तुमको कि हम दारू के नशे में धुन थे, हमें कुछ समझ नहीं आया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँच गए। हम असल में गए थे होटल के पास में ही बार में, फिर वहाँ से हम जब घर के लिए निकले तो टैक्सी ड्राइवर को हमने गलत पता बता दिया था। मैंने ऐसे ऐसे उसको बताया था कि हाँ एक पार्क है, एक बिल्डिंग है, उसके पास में एक छोटी सी हॉस्पिटल है। वो सोचा दूसरी जगह, उसने मुझे दूसरी जगह पहुँचा दिया, मैं उससे और दूर चला गया। अब पैसे भी नहीं थे कि हम वापस जाएं वहाँ पर, दोस्त भी नहीं यहाँ पर कोई कि हम जिसको पहचाने। चाहते क्या होगा यार, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ठीक है, जाती ताकि मैं कुछ पैसे लेके कुछ खाना पीना खा लूँ। रात का सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूँ, और उस पैसों से मैं घर कुछ कहीं भी रुक जाऊँगा रात को, रात बिताने के लिए समय नहीं मेरे पास, जगह मिल जाएगी मुझे कुछ। और उठते ना उठते मैं अपने घर वालों को कॉल कर लूँगा और वो आ जाएंगे, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, मैं आपके पैसे लौटा भी दूँगा, बस इतना ही चाहता हूँ भाई साहब। ये बताओ, वो बात सब ठीक है, हमको तुम्हारी समझ में आ गई, पैसा ऐसा तो छोड़ो, साबुन कहाँ है? अरे साबुन भाई साहब, यही तो कहीं था। भैया साबुन। अरे यार क्या बताओ, इतने नशे में था मैं उस टाइम, कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ, पता नहीं कहीं गिर गया मुझे लग रहा है यार। भाई ये तो मिला क्या साबुन भैया? यार साबुन क्या बताओ यार, साबुन मेरी तो किस्मत ही बेकार है यार, सुबह खो गया क्या साबुन? सब कुछ बेकार हो रहा है यार। अरे भैया भाई हम क्या बताएं भैया, तुम्हें जानते हो चूतिया तब से बना रहे हो उनको तुम 15 मिनट से। चूतिया बनाओ किसी और को यार, देखो है ना यार भाई साहब, लग रहे हो तुम शरीफ, घर से हरकत है तुमने की, किसी की जेब में डाल लो डाका डाल लो यार तुम, किसी की आँख में जाके यार। आपको मजाक लग रहा है यहाँ पर, मेरा सब कुछ चला गया यहाँ पर यार। समझ जाओ यार। अरे रहने दो भाई साहब, आप रहने दो, रहने दो। तो से चूतिया बनाने ओ भाई साहब, इसका साबुन गिर गया लग रहा है, इसका साबुन यार। इतने तो अबे सही में सच कह रहा था यार, तो यार साबुन गिर गया यहाँ पर। ओ भाई साहब, ओ भैया, ओ ओ पिंक शर्ट, अरे यार अरे भैया काले का साबुन गिर गया है यार। अरे भैया 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 सुनो, ओ भैया देखो यार हमारे पास इस समय, देखो ये 1000 रुपए तो हमसे ले लो ठीक है, और घर चले जाओ आराम से जो है भाई। थैंक यू। नहीं यार थैंक यू की कोई बात नहीं, देखो हमको लगा ना कि आजकल के जमाने में ये सब होता बहुत है, तो हमको थोड़ा अलर्ट होकर चलना पड़ता है, जानते तो हो यार, और जमाना खराब है ना भाई। तुमने मेरी नहीं यार, नहीं इतनी मदद की है यार, मेरी इतनी मदद की है, मुझे अपना अपना अपना, अपना नंबर दे दो यार। नहीं हमको लगा कि साबुन वहाँ तुम्हारा गिरा नहीं था, तो हमको लगा नहीं होता है ना कि लड़के आजकल के बड़े जानते तो यार। सही बात है भाई, थैंक यू यार, थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच यार, चलो चलो बाय। भला इंसान था, कहो दे दिया साबुन, नहीं अच्छा किया, 1000 रुपए दे दिया, भूला लग रहा था, बहुत ही भोला लग रहा था यार। चलो यार अच्छा हुआ, मतलब मुझे ज़्यादा करी आती थे उसको यार, मेरी तो आदत है सब कुछ सब करने की। अरे बाबूजी फिर से, बाबूजी अरे भैया कहाँ ढूंढ रहे हो भाई? अरे यार मेरा साबुन गिर गया था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चला गया यार। साबुन सफेद रंग का? हाँ हाँ यही हम लेटे थे ना, तुम्हारे तो उठाया मुझे। सफेद रंग का साबुन वो आपका था क्या? हाँ मेरा ही था वो। अच्छा हाँ पता नहीं कहाँ चला गया था ना। ठीक है, साबुन मतलब आपका था वो? हाँ यार मेरा ही था यार, सफेद वाला। क्या हुआ क्यों पूछ गया? क्या बताए यार, हद है यार आज। क्या हुआ हंस के? कुछ नहीं भैया, मिला क्या साबुन? साबुन मिला कि नहीं आपको? नहीं है।
साला।